टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों व्हाट्सएप आप सब काम में लेते होंगे या डे टू डे लाइफ में आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को जरूर यूज करते होंगे। व्हाट्सएप से आप मतलब दिन में कितने चैट इधर उधर भेजते हो, कितने मैसेजेस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या भेजते हो आप। मतलब आज के टाइम में दोस्तों व्हाट्सएप ऐसी हो गई है जैसा पहले हम बोला करते थे ना कि भाई सबसे जीने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत वाली चीज है दोस्तों वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज के टाइम में ये ट्रेंड बदल गया है और अभी कुछ ऐसा हो गया है रोटी, कपड़ा, मकान और दोस्तों इन सब के ऊपर व्हाट्सएप। मतलब कि व्हाट्सएप नहीं है तो कुछ नहीं है। और पहले क्या हुआ करता था, पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीजें शेयर करनी होती थी, इंफॉर्मेशन छोटी सी, तो पहले आप सीधे टेक्स्ट मैसेज कर दिया करते थे। और टेक्स्ट मैसेज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था दोस्तों, कि वहां पे आपको बेसिकली किसी भी जो सामने वाला पर्सन है उसका नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, या पता नहीं क्या है, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे डीमेरिट ही है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आपको किसी रैंडम पर्सन को मैसेज भेजना है तो फिर आपके पास उसका नंबर होना चाहिए पहली चीज, और वो नंबर आपके कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में सेव होना चाहिए। मतलब कि वो नंबर आपका जो कॉन्टेक्ट है, जो लिस्ट है, उसके अंदर सेव होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं भेज पाओगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर प्रॉब्लम निकल के आती है कि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन से मिल रहे हो, किसी रैंडम पर्सन से मिल रहे हो, उसने बोला कि यार तू ये पर्टिकुलर मैसेज मेरे को शेयर कर, या ये वाली इमेज शेयर कर दे, या फिर कोई छोटा सा मैसेज या बैंक अकाउंट ही भेज दे, तो दोस्तों वहां पे क्या करना होता है, वहां पे सबसे पहले आपको उसका नंबर लेना होता है, फिर उसको आपको सेव करना होता है। मतलब एक बार मैसेज भेजना उसको जिंदगी में, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में उसको सेव करना होता है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्ट का लिस्ट है वो बढ़ता जाएगा, तो दोस्तों कंफ्यूजन आपको होगी कि भाई ये कौन सा बंदा है, वो कौन सा बंदा है, मतलब इतनी सारी टेंशन। तो चलो ये सारी बातें हम करते हैं यहाँ पे खत्म। मैं दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मैं कुछ डेमो लेके आया हूँ यहाँ पे आपके लिए। आपको क्या करना है, सिंपल प्ले स्टोर पर जाके इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और दोस्तों यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। छोटा सा एप्लीकेशन है, 3-4 MB का होगा, ये डाउनलोड करके बस आप रख लो, ताकि जब भी आप फ्यूचर में किसी रैंडम पर्सन से मिलते हो तो वहां पे आपको ये करने की जरूरत नहीं कि भाई अपना नंबर देना, चलो मैं पहले सेव कर लेता हूँ तभी मैं आपको कोई मैसेज भेज पाऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों इस एप्लीकेशन का एडवांटेज ये है कि आप बिना किसी का कॉन्टेक्ट नंबर सेव किए उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीमीडिया फाइल या जो चाहे फाइल आप उसे भेज सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी आपका फेलो, और चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं अपने फोन पे कि कैसे करती है ये चीज काम, या फिर कैसे करता है ये एप्लीकेशन काम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे होम स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन है, क्लिक टू चैट या फिर व्हाट्सएप डायरेक्ट। आप इन दोनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, दोनों सिमिलर ही काम करते हैं, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो ये मैंने ओपन कर लिया एप्लीकेशन, और ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपसे दो चीजें मांगता है। मतलब पहली चीज क्या कि आप जिसको व्हाट्सएप भेजना चाहते हो उसका नंबर डालना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसको भी आप व्हाट्सएप भेजना चाहते हो उसका नंबर कंट्री कोड के साथ डालना है। तो अगर आप इंडिया में किसी को भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने ही एक नंबर पे मैसेज भेजता हूँ और फिर देखता हूँ ये कैसे काम करता है। तो उससे पहले दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि वो नंबर मेरे कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में सेव है कि नहीं। तो ये मैंने सर्च किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में ये नंबर कहीं भी सेव नहीं है। मतलब कि अगर मेरे को व्हाट्सएप भेजना है तो इसका नंबर सेव करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम वो नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट दोस्तों ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोलेंगे जिसका नाम है व्हाट्सएप डायरेक्ट, और यहाँ पे हम डालेंगे वही नंबर एक कंट्री कोड के साथ, मतलब कि इंडिया है तो +91 कंट्री कोड हो गया दोस्तों, और फिर आपका मोबाइल नंबर। फॉर एग्जांपल ये मैंने डाल दिया दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे मैं भेजता हूँ टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉपी पेस्ट मैसेज जो भी मेरे को उस रैंडम पर्सन को फॉरवर्ड करना है। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा मैसेज टाइप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन है, सेंड टेक्स्ट या फिर सेंड मीडिया, तो आप सेलेक्ट कर लो, आपको मीडिया अटैच करना है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट भेजते हैं। तो दोस्तों ये मैंने क्लिक कर दिया सेंड टेक्स्ट, और ये फिर इसने सर्च किया, और यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली ये मेरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर घुस गया, और यहाँ पे बस मेरे को ये एरो बटन दबाना है, और दोस्तों ये चला गया मैसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे वही मोबाइल नंबर आ गया जो मैंने पीछे मेंशन किया था दूसरे एप्लीकेशन से, और यहाँ पे बिना कॉन्टेक्ट नंबर को सेव किया मैंने इसको एक डायरेक्ट मैसेज भेज दिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा हैक है, या फिर आप बोले एक छोटा सा जुगाड़ है, जो हम बोलते हैं इंडियंस, हम काफी फेमस होते हैं जुगाड़ में, तो ये एक छोटा सा जुगाड़ है जिसके थ्रू आप किसी का भी नंबर सेव किए बगैर उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। तो दोस्तों आज से आपको हर रैंडम बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर आपके कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में सेव करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एप्लीकेशन पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इस
एजुकेशन को काम में कैसे लेना है। बस दोस्तों, इस वीडियो को करते हम यहीं पे खत्म, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।